नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। पहली खबर इटावा से है, जहां सीएम योगी के निर्देश पर जल शक्ति और सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इटावा पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही मंत्री ने विकास भवन में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। जल शक्ति मंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन और बाढ़ पीड़ितों को मदद की जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली, जिसमें मंत्री ने अधिकारियों से पूछा कि बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री में क्या क्या वितरण किया गया है। अगली खबर बिजनौर से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बिजनौर का दौरा किया, जहां नजीबाबाद तहसील की विश्व प्रसिद्ध दरगाह आलिया नजफ हिंद जियारत के लिए नकवी पहुंचे। नकवी के पहुंचने पर दरगाह कमेटी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। मुख्तार अब्बास नकवी ने मजार पर चादर चढ़ाकर देश की खुशहाली और तरक्की की कामना की। देखिए, हम हमेशा ज़ारत करने आते हैं और पिछले दो सालों से कोविड वगैरह की वजह से भी मेरा आना नहीं हो पाया था, लेकिन मैं पिछले लगभग 30 सालों से ज़्यादा वक्त से दरगाह में और इस दरबार में हाज़िरी देता रहा हूँ। और मैंने अमन अमान की, पूरे मुल्क की तरक्की की, पूरी दुनिया और आलम इंसानियत के सुकून की और तरक्की की दुआ की। खबर इटावा से है, जहां 600 संविदा कर्मियों के समर्थन में सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव। दरअसल संविदा कर्मी 2 दिनों से धरने पर बैठे हैं, जिसमें सुरक्षा कर्मी और वार्ड बॉय भी शामिल है। वहीं संविदा कर्मियों ने धरने पर बैठने से यूनिवर्सिटी में अव्यवस्था फैल गई है। मेडिकल यूनिवर्सिटी में धरने से मरीज और उनके परिजन भी परेशान हो रहे हैं। अगली खबर हाथरस से है, जहां सेना के पैरा कमांडो हरबीर सिंह की वास्तविक नियंत्रण रेखा लद्दाख में सोमवार को युद्धाभ्यास के दौरान हादसे में जान चली गई। आज शाम पैरा कमांडो का शव गांव पर लाया गया। वहीं इस घटना के बाद से कमांडो का परिवार सदमे में है। बता दें कि पैरा कमांडो हरबीर सिंह हाथरस जिले की कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के गांव बराई मई निवासी सुग्रीव सिंह के बेटे थे, जिनकी तैनाती आगरा में थी। उनका 2002 में 22 राज राइफल्स भारतीय सेना में चयन हुआ था। उनके बड़े भाई ने कहा है कि सरकार शहीद भाई का स्मारक बनाने के लिए रोड पर जमीन दे, जिससे युवाओं को देश प्रेम की प्रेरणा मिलेगी। खबर फरुखाबाद से है, जहां पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बदमाशों ने डिटर्जेंट पाउडर बेचने के बहाने पर घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों की लूट करते हुए तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लुटेरे बदमाशों ने आसानी से घटना को अंजाम देकर भीड़ भाड़ वाले इलाके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अगली खबर बागपत से है, जहां ईशा फाउंडेशन के संस्थापक जग्गी वासुदेव बालायनी पूरा महादेव पहुंचे, जहां उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए 300 एकड़ जमीन को देखा। इस जमीन पर बनाए जाने वाले संस्कृत विश्वविद्यालय योग केंद्र के साथ योगी की भीमकाय मूर्ति स्थापना के लिए नक्शे को भी देखा। उसके बाद जग्गी वासुदेव ने डीएम को इस जमीन के विषय में पूरी जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने ऐतिहासिक पूरा महादेव पर जलाभिषेक कर प्रार्थना भी की। खबर आगरा से है, जहां रंगोली कॉलोनी में लगे होर्डिंग पर लिखा रोड और सफाई नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। दरअसल रंगोली कॉलोनी में रोड की स्थिति बदहाल है। लोगों ने कहा है कि जो वायदे किए प्रतिनिधियों ने वो पूरा नहीं किया। ये मामला सिकंदरा क्षेत्र के रंगोली कॉलोनी का बताया जा रहा है। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां गुमानीवाला क्षेत्र में 2000 के नकली नोट चलाने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर और 2000 के 4 नकली नोट बरामद किए गए हैं। खबर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से है, जहां पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, जहां एक के बाद एक नशे के सौदागरों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस बार पुलिस और एसओजी की टीम ने 2 साल से निलंबित चल रहे आईटीआई के एक क्लर्क को स्कैम के साथ गिरफ्तार किया है। इसे कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जेल भेज दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।